उसका कुछ तबीयत गड़बड़ थी लग रहा था जैसा, उसके बाद उसने अपना आपात वो जो दिखा उसको पहले पहले टीकाराम ये इंसिडेंट बहुत ही दुखद है और हम लोगों का बिल्कुल दिल से हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये एक आरपीएफ के कांस्टेबल और एक आरपीएफ के एएसआई और तीन पैसेंजर्स या तीन लोगों को गोलियां लगी हैं, जिसमें जो आरपीएफ के कांस्टेबल ने तो सरेंडर कर दिया है और एएसआई और तीन पैसेंजर्स जो थे उनको हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो अभी खबर आई है कि उनको गोली लगी है। सर, ये तीनों की डेथ हो गई है या फिर ये सीरियसली इंजर्ड है? ये अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया हमें, जीआरपी को हम लोगों ने सारा कुछ सौंप दिया है क्योंकि उनका जुरिसडिक्शन है, तो ये जैसे ही खबर वो कंफर्म करते हैं तो वी कैन से दैट, बट सिचुएशन में सही। राउंड फायर की बात करें तो कितने राउंड फायर हुए थे, इसकी क्या? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पहली बार गोली चलाने के बाद वो शायद इधर उधर भागा है, तो इतना एग्जैक्ट कहना जब तक पूरी खबर ना आ जाए और सारे लोगों का एक बार ये ना हो जाए तो तब तक ये कहना चाहिए। पैसेंजर्स जो अंदर थे मौजूद B5 में, उनका भी कहीं ना कहीं आप विटनेस के तौर पे उनको भी एग्जामिन कर रहे हैं क्या है उसके, कितने लोग? जितने भी सारे विटनेसेस थे वो बोरीवली में भी उनसे बात की गई है और जो लोग बॉम्बे सेंट्रल तक आए थे उन लोगों से भी बात की गई है और जो पैंट्री कार का स्टाफ था और जो हमारे किसी कोच के अटेंडेंट थे उन लोगों से भी बात की गई है, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा था कि जिस वक्त सारे लोग ज़्यादा सोए रहते हैं, तो इसीलिए अभी वो जो पिक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि एग्जैक्टली कैसे। एक सवाल और पूछूंगा जी, ये जो आरपीएफ जो बता रहे हैं आप जिन्होंने शॉट फायर किया है जी, एएसआई पे किया है, तो वो उन दोनों में आपस में कहीं रिफ्ट है किसी का? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं आई है हमारे पास। वो जो आरपीएफ जिसने फायर किया है उसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब किस तरह की मानसिकता खराब थी? नहीं नहीं, हमारा एएसआई काफी कॉम्पिटेंट था और रेगुलरली अपनी ड्यूटी करता था, तो ऐसी कोई समस्या और या असामान्य चीज़ हम लोगों के सामने नहीं आई, बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग था।